आइए खेलते हैं किशोर पार्क में दर्शकों लोग से और कानून मंत्री जो हमारे रविशंकर बाबू हैं उनसे ये बैठेंगे योग करेंगे लोगों के बीच रविशंकर बाबू जी। पार्टी लोगों ने इनका सम्मान किया, यहाँ की जनता लोग लोगों का प्यार है जो ये तो आए थे मिलने के लिए मगर सम्मान कर रहे हैं। क्या सुनना हुआ दिवाकर जी? उन सभी से अपना परिचय लेते हुए यहाँ तो आने वाले की संख्या जो है ना बहुत अधिक है, लेकिन हम लोग के पास कुछ अपना जितना आसन है उसी को बैठे 40-50 घंटे बैठते हैं आप लोग डेढ़ घंटे से दो घंटे क्या क्या होता है आसन अश्व जो जी आसन व्यायाम और प्रणायाम हमारी सरकार ने योग को दुनिया में जगह दिलाई है तो बताए ना आप लोग देखा होगा जी आज दुनिया के 99% देश में यूएन में योग को एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में मान्यता दिया। आज चाइना में योग होता है, पाकिस्तान को छोड़ के मान योग हो रहा है, सऊदी अरेबिया में योग हो रहा है, दुबई में योग हो रहा है। ये योग की बहुत बड़ी विजय है ना, ये भारतीय चिंतन भारतीय संस्कार और भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी विजय है योग तो बिल्कुल जी। और लोगों ने पाया कि योग जो है वो जोड़ता है, योग लोगों के बीच की दूरी को कम करता है। और मैं देखता हूँ कि आजकल जिस तरह से दुनिया भर में लोग विवेक भारती शहीद किशोर कुमार संघ जाति शाखा के स्वयं सेवक गाय व्यवसाय निवास स्थान की एक सभी से बनी तो लग रहा है कि एक भारत की संस्कृति को हमको अपनाना चाहिए। तो आप लोग उस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए आपका अभिनंदन। आप लोग पतंजलि जुड़े हुए हैं जी सर, आपके जिसको बड़ा सौभाग्य है कि उनका बहुत आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। तो रामदेव जी ने महाराज जी ने एक प्रकार से योग को एक जन आंदोलन बनाया है, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा काम। योग तो भारत की परंपरा है, हिमालय से लेकर के पूरे भारत में है, योगी ऋषि ये सभी तो योग के बहुत बड़े हजारों वर्षों से प्रवर्तक रहे पतंजलि के समय से। रामदेव महाराज ने उसको जनता के बिठाया, बाकी लोगों ने भी किया, मैं मानता हूँ। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात हो रही है। तो आप लोग एक डेढ़ घंटा करते हैं? डेढ़ घंटा निश्चित रूप से होता है, लगभग कुछ संडे को कुछ विशेष ये मैं हमेशा मानता हूँ कि योग ने भारत में एक नई जागृति पैदा की जी। देश भर में घूमने का अवसर मिलता रहा है हमको, अब मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ लोग पार्कों में योग कर रहे हैं, भले योग व्यक्तिगत था, अब आप लोग के प्रयास योग सामूहिक हो गया है। रामदेव बाबा पहली बार पटना में आए थे, उनका बड़ा कार्यक्रम 2007 में जी गांधी मैदान में, गांधी मैदान मैं भी था, मैं एक दिन के लिए गया था और मैं सातों दिन जाता था, पूरा गाड़ी में भरा हुआ था, अच्छा लगा, तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर के, हाँ आनंद आया। और हमने आपके योग में थोड़ा सा बाधा डाली, इसके लिए क्षमा किया। नहीं नहीं हम लोग का सौभाग्य है आपका देखिए, देखिए मैं पटना का ही हूँ ना, पटना शहर मेरा अपना है, इसलिए यहाँ मेरा जानते हैं जो बचपन से जानते हैं, बिल्कुल मेरा स्वाद दूसरा है, मेरा घर है पटना तो बात कर दिक्कत है कि यहाँ पर कवर करने के लिए वन विभाग के संबंध ये शहीद कुणाल के नाम से अलॉट हुआ था, बाद में क्या कहते हैं अभी नाम तो मुझे आपने इस समस्या को यहाँ डाल दिया। धन्यवाद। मैं काम करता हूँ, ये बता दिया।
पूरा नाम क्या बताया गया अपना? दिवाकर झा। दिवाकर जी। और अपना नाम फिर? निर्मला कुमार सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो नाम सिमला सिन्हा। हम लोग पूरे ग्रुप आपके साथ सर। आप लोग देश के साथ हैं, आप लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ। जी जी नहीं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। केंद्र सरकार में उनका सिपाही हूँ, अभी चुनाव में आया हूँ। देश को आगे बढ़ाना है। विधायक जी हुए, अरुण जी विधायक जी हुए। शंकर बाबू जी से मिलने के लिए देखिए किस तरह से लोगों के बीच बैठे हुए सर। सर मैं दो बात कहना चाहता हूँ, नागरिक हूँ सर और मोदी जी का भक्त हूँ। आप सर थंपिंग मेजोरिटी से जीतेंगे और इस देश के अंदर कोई नहीं। आप इतने अच्छे वक्ता हैं कि आपको जब हम सुनते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जय हो। दर्शन करने आए और साईं भगवान का प्रसाद मिल गया। साईं मंदिर के खिलाफ को आना रामनवमी के बाद आई रामनवमी इस तरह से और अच्छा भंडारा भी है और यहाँ पर गोली वैसे अरुण बाबू का तो हमेशा योगदान मैं होगा। तो आपसे आगे बिलू बहुत सुना लोगों के बीच जा करके इस तरह से लोगों के बीच फोटो मोदी को जयकारा लगाने से और लोगों के बीच अपना बात को रखा, लोगों ने अपने उनके बीच में बात रखा। किस तरह से वो पार्क के चारों तरफ ग्राउंड लगाते हुए इस तरह से लोगों के बीच पार्क का चारों तरफ बाउंड लगाते हुए रविशंकर प्रसाद जी जा रहे हैं। बच्चों के साथ सेल्फी खिंचाते हुए। धन्यवाद। विधायक अरुण कुमार सिन्हा जी भी चाय पी रहे हैं अभी यहाँ पे। रविशंकर बाबू जी भी चाय पियेंगे। ये राजू जी का चाय दुकान है। फिर चाय पीने के लिए शंकर बाबू जी जाएंगे जो शिवाजी पार्क के बीच। आप कहाँ हो? शिवाजी पार्क। लोगों का भीड़ बढ़ता जा रहा है। हमारे कानून मंत्री सभा के हैं अभी पटना साहिब से। केंद्र कानून मंत्री भी हैं। चाय
लाओ भाई चाय पिलाओ। उन्होंने कहा कि गाजी में नहीं खड़े करे चाहिए। शिवाजी पार्क के बहुत लोग सामने आते हैं, लोगों से मिलकर लोगों का उत्साह है, सब लोग नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री करना चाहते अभी हमारे कानून मंत्री जी जो है चाय पी रहे हैं शिवाजी पार्क के पास। पटना साहिब से उम्मीदवार है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों के बीच आए हुए हैं, सभी जगह पार्क में गए और सभी के साथ सेल्फी खिंचवाए, सब लोगों से जेंट्स महिला से बात किए और यहाँ पे शिवाजी पार्क के बाहर चाय निकाल रहे हैं, चाय पी रहे हैं, काफ़ी समय दिया उन्होंने। मैं गोपाल कुमार, आप देख रहे हैं अपना लाइव डॉट न्यूज़। नमस्कार।